हाय फ्रेंड्स, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ इज इंस्पायर पे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए और एक नई कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का नाम है इच्छा शक्ति। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध से जानिए इच्छा शक्ति क्या होती है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन पे ज़रूर सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी कहानियाँ लेकर आते हैं। तो दोस्तों, चलते हम हमारी कहानी की तरफ। नमो बुद्धाय। इच्छा शक्ति। एक बार आनंद ने भगवान बुद्ध से पूछा, जल, वायु, अग्नि इत्यादि तत्वों में सबसे शक्तिशाली तत्व कौन सा है। भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद, पत्थर सबसे कठोर और शक्तिशाली दिखता है, लेकिन लोहे का हथौड़ा पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसलिए लोहा पत्थर से अधिक शक्तिशाली है, लेकिन लोहार आग की भट्टी में लोहे को गला कर उसे मनचाही शक्ल में ढाल देता है। इसीलिए आग और लोहा और पत्थर से अधिक शक्तिशाली है। मगर आग कितने भी विकराल क्यों ना हो, जल उसे शांत कर देता है। इसलिए जल पत्थर लोहे और अग्नि से अधिक शक्तिशाली है, लेकिन जल से भरे बादलों को वायु कहीं से कहीं उड़ा कर ले जाती है। इसलिए वायु जल से भी अधिक बलशाली है। लेकिन हे आनंद, इच्छा शक्ति वायु की दिशा को भी मोड़ सकती है। इसलिए सबसे अधिक शक्तिशाली तत्व है व्यक्ति की इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति से अधिक बलशाली तत्व कोई नहीं है। यदि किसी काम को अपनी इच्छा से किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी यह हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पे सिलेक्ट कीजिए। थैंक यू।